अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेटा ड्राइव। मेरा नाम अफ़ान अमीन है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन के अंदर एक और डेटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरी को, जिसका नाम है सीबॉर्न। सीबॉर्न एक पाइथन डेटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब पे बेस्ड करती है और हाई लेवल इंटरफेस को सपोर्ट करती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैटप्लॉटलिब की क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम अब सीबॉर्न को अडॉप्ट करने लगे हैं। सबसे पहली इसकी लिमिटेशन ये है कि ये पांडास के डेटा फ्रेम्स के साथ सही से यूज़ नहीं हो पाती, जबकि सीबॉर्न बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो पाती है। इसकी एग्जांपल हम आगे इस क्लास में देखेंगे। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके फिगर्स के जो एस्थेटिक्स हैं वो थोड़े से लोअर ग्रेड्स हैं, और हम अभी कंपेयर भी करेंगे सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब के फिगर्स एस्थेटिक्स। सीबॉर्न इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू मैटप्लॉटलिब एंड इट स्पेशली टारगेट्स स्टैटिस्टिकल डेटा विजुलाइजेशन। माइकल वेस्कॉम्ब, जो कि सीबॉर्न लाइब्रेरी के क्रिएटर भी हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इफ़ मैटप्लॉटलिब ट्राइड्स टू मेक ईजी थिंग्स ईजी एंड हार्ड थिंग्स पॉसिबल, सीबॉर्न ट्राइड्स टू मेक अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ हार्ड थिंग्स ईजी टू। तो इससे हमें ये बात समझ आई कि जहाँ मैटप्लॉटलिब आसान चीज़ों को और आसान कर रहा था और मुश्किल चीज़ों को पॉसिबल कर रहा था, वहीं पे सीबॉर्न ने हार्ड चीज़ों को बहुत आसान भी करना शुरू कर दिया। हम इन दोनों के फिगर्स एस्थेटिक्स को कंपेयर करेंगे विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। और तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कराई मैटप्लॉटलिब और यहाँ पे हमने सीएसवी डेटा रीड करवा दिया पांडास के डेटा फ्रेम के थ्रू। देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हमने वायलिन प्लॉट कॉल कराया है, एक वायलिन प्लॉट इसने क्रिएट करके दे दिया विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, इसमें हमने कोई अलग से पैरामीटर्स नहीं डाले। देखते हैं कि सीबॉर्न किस तरह की फिगर्स एस्थेटिक्स देता है। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों के अंदर। इसने वाई एक्सिस को ज़रूरी नहीं समझा यहाँ पे शो कराना, जब इसने शो कराया है फिगर के इस फिगर के अंदर हमें नज़र आता है कि हमें कुछ अट्रैक्शन है, जबकि ये फिगर थोड़ी सी फीकी फीकी नज़र आ रही है। इसके अलावा हमें एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे टाइटल भी गिवन है पहले से, हमें अलग से देने की ज़रूरत नहीं। लिमिटेशंस ऑफ मैटप्लॉटलिब, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन मैटप्लॉटलिब एज यू कैन सी इन अबव एग्जांपल्स। हमने ऊपर देखा कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, और सीबॉर्न के अंदर ये चीज़ बहुत आसान है और बहुत तरीके से ही हो जाती है। मैटप्लॉटलिब डज़ नॉट वर्क वेरी वेल विद पांडास डेटा फ्रेम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इसकी पहली लिमिटेशन थी, वाइल सीबॉर्न वर्क्स रियली वेल विथ पांडास डेटा फ्रेम्स। तीसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि ड्राइंग अट्रैक्टिव फिगर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, मैटप्लॉटलिब डज नॉट हैव वेरी अट्रैक्टिव फिगर्स टू शो, वाइल सीबॉर्न गिव्स अ ग्रेट कंट्रोल ऑन फिगर एस्थेटिक्स। लेट्स सी दिस इन बिलो एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि हमें कितनी फ्रीडम देता है सीबॉर्न, हमें किस तरह से किस थीम के ऊपर फिगर को शो कराना है, ये हमें सीबॉर्न इतनी फ्रीडम दे रहा होता है, जबकि मैटप्लॉटलिब के अंदर ये फ्रीडम हमें नहीं मिल रही थी। सबसे पहले हमने यहाँ पे सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब दोनों को इंपोर्ट करा लिया, और यहाँ पे हमने खुद से एक नंपाई के थ्रू एक खुद से एक डाटा सेट क्रिएट किया है, और उस डाटा सेट को हम अपलॉट करके देखेंगे साइन प्लॉट मैटप्लॉटलिब के अंदर। मैटप्लॉटलिब ने इसको इस तरह से शो कराया है, जबकि सीबॉर्न किस तरह से शो कराएगा हम ये आपको दिखा देते हैं कि इसके पास डॉट सेट स्टाइल डार्क ग्रिड एक्सिस डॉट फेस कलर 0.9, ये पूरा एक एस्थेटिक कंट्रोल है जो कि हमें ये देता है सीबॉर्न, और हम इसको इस तरह से भी इस फिगर को इस तरह से भी शो करा सकते हैं जो कि हमें थोड़ा अपीलिंग लगे। और हम अगर बात करें एक और इसके कॉन्टेक्स्ट की, जो कि पोस्टर है, सेट स्टाइल और सेट कॉन्टेक्स्ट पोस्टर, यू कैन सेलेक्ट थीम्स फॉर विजुअल्स, आप जिस तरह की भी थीम्स चाहते हैं वो यहाँ पर शो करा सकते हैं। इस साइन प्लॉट के थ्रू हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी और अपीलिंग फिगर एक हमें नज़र आ रही है, जो कि डार्क ग्रिड के साथ और डार्क कलर्स के साथ हमें यहाँ पे शो हो रही है। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस सिंपल ट्यूटोरियल। इसके अंदर हमने दोनों डेटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरीज पाइथन की सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब को कंपेयर करके देखा। हमने ये देखा कि हमने मैटप्लॉटलिब की जगह सीबॉर्न को क्यों अडॉप्ट करना शुरू किया। डेटा फ्रेम्स के साथ सीबॉर्न बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है पांडास के डेटा फ्रेम्स के साथ। सेकेंडली, इसके फिगर्स एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के
के साथ भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं। तीसरा, हमें विजडम बहुत मिलती है, हमें फिगर्स को अपीलिंग करने के लिए सेट ऑफ थीम्स और सेट ऑफ कलर्स हमें दिए गए हैं सी बॉन्ड के अंदर, वो हमें मैटप्लॉटलिब में नहीं मिलते। इस प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज आएंगी जिसके अंदर हम सी बॉन्ड लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे, उन वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।